नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में करियर के मामले में, महत्वपूर्ण काम से घूमने के लिए लोग विदेश जाने का प्रयास करते हैं और विदेश में जाकर के उन्नति करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद व्यक्ति को विदेश यात्रा का मौका नहीं मिलता या व्यक्ति विदेश नहीं जा पाता। कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी विदेश यात्रा करवाते हैं, और अगर विदेश यात्रा में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को कैसे दूर करें, आज कार्यक्रम में ये जानेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 27 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः काल 9:25 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, चंद्रमा विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान है मेष राशि में, और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के योग का अर्थ क्या होता है और कौन से ग्रह विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार की यात्रा। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे उसे विदेश यात्रा समझा जाता है पुराने समय से, और कहीं कहीं पर कहा जाता है कि समुद्र पार की जो यात्रा होती है उसे भी विदेश यात्रा समझना चाहिए। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। नवम भाव लंबी यात्राओं का है और द्वादश भाव विदेश का है। नवम और द्वादश का कनेक्ट होना अक्सर लंबी यात्राएं या लंबी विदेश यात्राएं करवाता है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्राओं में बड़ी भूमिका होती है। विदेश यात्राओं में शुभ ग्रह काम नहीं आते। विदेश यात्राओं के मामले में जो क्रूर ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, इनकी भूमिका ज्यादा होती है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है।
राहु का प्रभाव अगर जीवन पर हो तो व्यक्ति विदेश अवश्य जाता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश जाने में, विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। शनि की साढ़े साती चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति विदेश जाता है या इससे भी विदेश यात्रा में सहायता मिलती है। विदेश यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, करियर में इस समय सफलता मिल सकती है। भगवान को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। देखिए, आम तौर पर शनि या राहु कुंडली में ज्यादा मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति घर से दूर जा करके स्थायी रूप से परमानेंटली बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा के कमजोर होने पर भी व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म तिथि महीने की 2, 11, 20 और 29 हो उनके भी विदेश में बस जाने की संभावना काफी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो विदेश यात्रा में कब बाधाएं आती हैं, कब प्रयास करने के बावजूद विदेश यात्रा नहीं हो पाती है, वो भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति अपने परिवार से, अपनी फैमिली से जुड़ा रहता है, विदेश यात्रा में मुश्किल आती है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो व्यक्ति अपने घर से दूर नहीं जा पाता, विदेश यात्रा में मुश्किल आती है। जब पासपोर्ट या वीसा में
ज्यादातर एक नंबर या पांच नंबर या नौ नंबर ज्यादा आ जाए तो भी विदेश यात्रा में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख महीने की चार तारीख हो, तेरह हो, बाईस हो या इकतीस हो तो व्यक्ति बहुत विदेश जाता है या कभी विदेश नहीं जाता। जब व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान होती है तब भी विदेश जाने में बाधा आती है, क्योंकि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि ये जल की राशियां हैं, और जब जल की मात्रा कुंडली में ज्यादा होगी तो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने लोगों से अटैच होगा और ऐसी स्थिति में उसके विदेश जाने के चांस कम हो जाते हैं। अगर विदेश यात्रा में बाधा आ रही है तो उसे करने के लिए क्या उपाय करें ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में अशांति हो सकती है, खान पान में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, काफी दौड़ भाग आपकी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होगा, अचानक धन का लाभ होगा, काम की अधिकता आपकी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। भगवान को सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें जिससे विदेश यात्रा आपकी आसानी से, सरलता से हो सके। शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्वराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए। नवम भाव के स्वामी को मजबूत करिए। कुंडली में जो आपके नवम भाव का स्वामी ग्रह है उसे मजबूत करना चाहिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करिए और एक यात्रा जरूर कर लीजिए नदी पार करके। नदी पार करके कोई भी यात्रा एक बार कर लेंगे, विदेश जाने के आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका वीसा भी है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ रेडी है और फिर भी विदेश नहीं जा पा रहे तो एक छोटी सी कांच की शीशी ले लें,
उसमें पिसी हुई हल्दी भर दें और इसको जहां सोते हैं अपने सिरहाने रख लें। ऐसा करने से भी शीघ्र विदेश जाने के योग आपके बन पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, बड़े निर्णयों में अभी सावधानी बनाए रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको त्वचा की समस्या से परेशानी हो, स्किन की प्रॉब्लम रहती हो तो क्या करेंगे? हरे रंग की एक बोतल ले लें, इसमें आधे से ज्यादा नारियल का तेल भरें और इस बोतल को 3 दिनों तक ढक्कन लगा करके धूप में रहने दें। 3 दिन के बाद बोतल को हटा लें। जहां जहां पर त्वचा की समस्या है वहां वहां पर इस तेल को लगाएं, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। अब जान लेते हैं 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।